अभी से बैठ के सोचते हो कि हाँ यहाँ मनाली जाएंगे, यहाँ वो जाएंगे, अब दो पैसे की वैल्यू है नहीं, घर वालों से पैसे मांग के घूम रहे हो। लाइफ पार्टनर क्या है, मतलब वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो उस पर्सन को इन्वेस्टमेंट बनाओ ना एक तरीके से। साधन है, संसाधन है, सब कुछ है। आज मेरे पास बच्चा आता है ना कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आज आप लोगों को मैं मतलब बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने रख रखा है यहाँ पे, ठीक है, जिनका रहना, जिनका खाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बहुत अपने एंड से देख पाता हूँ। ऑफलाइन में भी कोई आता है, सर पढ़ाई करनी है, बस सपोर्ट कर दीजिए, हो जाता है। आए दिन कोर्सेज के लिए भी कॉल आते रहते, हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है किसी को पढ़ना है तो यार मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं करूँगा सपोर्ट। लेकिन उसमें मेरी इच्छा आप लोगों से क्या होती है कि आप भी पढ़ो ना। अब आप आए, सर मुझे पढ़ना है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप पता चले मूवी देख रहे हो, तो ये भी अच्छा नहीं लगता ना, फिर बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। तो मेहनत करिए जनाब, पूरा आसमान अभी बाकी है, अभी तो नापने के लिए, अभी तो बहुत चंद चीज़ आपने प्राप्त की अपने लाइफ में, और शायद आपने कुछ भी अभी प्राप्त नहीं किया। अगर किसी का एक नौकरी लग भी गया हो ना MTS में, MTS का, तो बता दे रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। शायद ज़िंदगी में एक छोटी सी अचीवमेंट अभी तुम लेके आओ, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। मैंने भी अपने लाइफ में ना मात्र वो 0.001% जो है वो शायद हासिल किया, जो मैंने कभी सोचा था, वो 0.001 बन के 1% हो चुका है। लेकिन अभी 99% जो है ना वो स्टिल मेरा बाकी है। अभी सोचिए अभी मेरे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। आपको लगता है कि सर इतने बड़े हो गए, नहीं मेरे भाई, सपने इंसान के जिस दिन ख़त्म हो जाए वो जीना ही छोड़ दे। तो सपने थोड़े बड़े करो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और इस पर तो इतना लाइक होना चाहिए कि जितना किसी वीडियो पर ना हो, क्योंकि ये आपके हक की बात है, तो ठीक है। और बाकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, अगर कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी केस है, तो भाई थोड़ा उन्हें भी बोलो यार कि चलो यार दोनों मिलके साथ में मेहनत करते हैं, क्या रखा है इन चक्करों में। तुम भी लाइफ में, मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा, और मैं भी चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। तो साथ वाला भी अगर सेम चाहते हो तो सामने वाले को भी थोड़ा यार मोटिवेट करो कि भाई टाइम वेस्ट, ये बाबू ने खाना खाया और इसने नहीं खाया, ये सब करने से बेहतर है कि चलो साथ में बैठते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं। नहीं तो अक्सर मैंने इन चीज़ों में भी बच्चों का बहुत ज़्यादा समय देखा है, या तो रील्स में वो टाइम वेस्ट करना शुरू करेंगे, या फिर बाबू ने खाना खाया और निब्बा निब्बी वाली हरकतें करेंगे। अरे मेरे भाई, हर किसी का कोई ना कोई लाइफ पार्टनर होता है यार, लेकिन कोई टाइम वेस्ट तो नहीं करता ना। लाइफ पार्टनर क्या है, मतलब वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो उस पर्सन को इन्वेस्टमेंट बनाओ ना एक तरीके से, ठीक है। उस पर अगर अपना समय दे रहे हो तो ऐसा समय दो कि जो उसके फ़ायदे की हो और जो तुम्हारे फ़ायदे की हो, ठीक है। रोज़ रोज़ आधे घंटे, चार घंटे क्या बात करना, उससे बढ़िया तो उसको कुछ पढ़ा दो यार तुम फ़ोन पे, ताकि उसका भी भला हो जाए, तुम्हारा भी हो जाए। कंपटीशन करो एक दूसरे को मौक में कि हाँ चलो देखते हैं किसका बढ़िया नंबर आता है, ठीक है, जो पीछे रह गया ट्रीट कराएगा। फिर वहाँ से एक माहौल बनना शुरू होगा ना, क्योंकि यार जब शादी हो जाएगी तुम्हारी, जब नौकरी तुम्हारी लग जाएगी तो शादी होनी है, शादी होनी है तो जियो ना जो ज़िंदगी तुमने सपने देखे। अभी से बैठ के सोचते हो कि हाँ यहाँ मनाली जाएंगे, यहाँ वो जाएंगे, अब दो पैसे की वैल्यू है नहीं, घर वालों से पैसे मांग के घूम रहे हो। तो कई सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा होता हूँ बच्चों के अंदर, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। मुझे बड़ा दुख सा होता है, कई बार बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि यार ये चीज़ है ना आप लोग यहाँ गलत कर रहे हो, शायद आपकी कमी आपको नहीं दिख रही है, दूर बैठा एक इंसान सब देख रहा है। थोड़ा सा उन चीज़ों पर ब्रेक लगाइए लाइफ में, थोड़ा सा जो है वो एक मेहनत करिए अच्छे से और आगे बढ़िए। बाकी आप लोग तो हैं इतने होनहार बच्चे, अपने काबिलियत को पहचानी और आगे बढ़िए, ठीक है।